इंडिया ने 2024 में इलेक्शन होने इंडिया ने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं करनी एंड मैं आपको वे ही इज टॉकिंग द वे उनका माइंडसेट क्या उनका माइंडसेट सेट पहला ही है यार अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू तो तो बेल पाकिस्तान इंटरनेशनली सो so वो एक बात दूसरा वो कह रहे हैं जब तक पाकिस्तान हमें कश्मीर पे एश्योरेंसेस ना दे अंडरस्टैंडिंग दे है वो कश्मीर इशू वो अगर पाकिस्तान हमें कश्मीर पे इंश्योरेंसिस ना दे हम कैसे पाकिस्तान की बात मान लें सो so, एक वो चीज है जिस तरह वो वो कहते हैं जिस तरह पाकिस्तान अमरीका को अलका... इंडिया ने 2024 में इलेक्शन होने हैं इंडिया ने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान से ये छोटा सा क्लिप देखा कमर चीमा आगे बात कर रहे हैं वीडियो में कि भारत पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है और भारत पाकिस्तान को कोई भी भाव देने वाला नहीं है इनकी बात ये हो रही कि अपकमिंग जो इलेक्शन है इंडिया में दो में होने हालांकि उससे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं वही बात मैं भी कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में करते हैं कुछ बात यहाँ पर कमर चीमा बात कर रहे हैं किस तरीके से भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाहता है। हर तरीके से पाकिस्तान को मतलब कमजोर देखना चाहता है और ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान हमारी एनिमी कंट्री है तो एनिमी के लिए एक जो दूसरा है उसका यही ख्याल होना चाहिए कोई अच्छे ख्याल नहीं होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हमारे लिए क्या चाहता है आपको पता है क्या चाहता है आपको पता है पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा बोलते हैं फेवर करेंगे लेकिन जब उन अब अब हमें तो इस चीज़ का पता है कि भाई पाकिस्तान तो ऐसे ऐसा नहीं कर सकता सो so, उन्होंने एक अपना बेंच मार्क एक हाई मार्क रख लिया और उनको पता यार ये काम नहीं करना पाकिस्तान से बात नहीं करनी जैसे मैंने बताया उनको पता है पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा पाकिस्तान जो है वो हमें उसी तरह दे जिस तरह पाकिस्तान अमरीका को देता है एफ ए टी एफ को देता है या बाकी अदारों को देता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को देता है ताकि पाकिस्तान जिस तरह बिहेव करता है तीसरा ये वो कहते हैं पाकिस्तान की जो इकोनोमी है डोंट लेट इट ग्रो नॉर्मलाइज़ ना होने दो तंग नहीं करते हैं उनका पूरा खत्े का गेम प्लान है और मैं वह बताऊं दॉ जयशंकर एंडल देना पाकिस्तान इन दैट दे गॉट सेंट्रल इश्यू ऑन वोट क्लोजर टू द रशिया गो के वो बात नहीं बनी है एंड द अमेरिकन प्रेशर और वेस्ट का प्रेशर इंडिया के ऊपर आ गया है और एंड दे आर स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन जो के दैट वाज टू बी न्यूट्रल अब वो रहेंगे न्यूट्रल बट दे विल डू स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजिक सिग्नलिंग टू द वेस्ट करेंगे जिससे मसाला होगा जैसे मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो uh, uh, मॉस्को रूस के, नहीं कि के है, he was रशिया को पता चल गया है कि वो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को करनी पड़ेगी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइर इंसेंटिव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड सो देर इज ए सम प्रेशर ठीक है जो जो आ रहा है अब पाकिस्तान को वो देखते हैं कि यार इनकी क्या पोजीशन है ये देर डिपेंडेंट नेशन उनको लेट से देन फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनको पता है कि ट्रेड खुल जाती है ट्रेड और मैं आपको बात बताऊं ये जो एक पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रैक 1.5 जो डायलॉग हुआ उसमें ये बात हुई है Uh, uh, और पाकिस्तान ये कहता है कि जी इंडिया uh, वो नहीं है नॉर्मलाइजेशन ही चाहता और ये जो टेररिज्म की जो एलिगेशन हैं ये कवर अप कर जाती हैं जी हर चीज के ऊपर और ये इस तरह की चीजें गो के इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए uh, uh, और पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी अहमदाबाद में कुछ दहशत गर्दों के खिलाफ कुछ अर्सा पहले जो हमें पता चलता है सो वो डू इट सो इट मीन पाकिस्तान ट्राइंग टू डिप विडेबिलिटी नो द क्वेश्चन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगले साल इलेक्शन होने हैं पोलिटिकल एन ए टिटी नो बडी एज ए कैपिटल अब प्राइम मिनिस्टर शबाज शरीफ को अगर आप देखें वॉशिंगटन के अंदर जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कश्मीर बारह दफा ज्यादा दफा जिक्र किया इंडिया नौ दफा ज्यादा जिक्र किया अफगानिस्तान नौ दफा ज्यादा जिक्र किया है जे सारी पाकिस्तान की पॉलिसी भाई पाकिस्तान को पता ही नहीं ब्रॉडर साउथ एशिया में क्या हो रहा है इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है के साथ क्या करना है वो वही अपनी पुरानी जो पचहत्तर साल पुरानी कहानी है आप पचहत्तर साल के माइंड सेट से हम निकल ही नहीं रहे ना लीडरशिप निकल रही है ना वाम निकल रही है आप देखे ना उसको डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का जो पढ़े नजर आपको पता चले कि भाई वो क्या बातें कर रहा था उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का लफ्ष, नाम लफ्ष भी नहीं यू एन जनरल असम्बली में नॉट अ सिंगल मैंशन जबकि शबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरन प्राइम मिनिस्टर साहब जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया बारह दफा किया इंडिया का जिक्र नौ दफा किया नौ दफा दो ज्यादा किया अफगानिस्तान का नौ दफा किया क्लाइमेट का सात बार किया इस्लाम चार दफा फलस्तीन पैलेस्टाइन तीन दफा फ्लड्स दो दफा हिंदू दो, दो दफा इसल दो दफा सो so दैट के आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देर इज एक्स जैसे कहते हैं ना मार्क डिफरेंस है वो क्या सोच रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं और हो क्या रहा है करना क्या है बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान की की तरफ से दिखाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं अब मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने हिंट किया कि वो पाकिस्तान को दो बिलियन डॉलर लोन देंगे फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ अपनी आवाम के लिए रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डावस्टेशन जो फ्लड्स में हुई है और वो भी थैंक्स टू अमेरिकन एंड थैंक्स टू द मेजर वेस्टर्न पार्स जो सारा ये पैसा अरेंज करा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब हम कह रहे हैं जी क्लाइमेट जस्टिस सो एंड सो लेकिन कोई हमारी बात तो नहीं सुनेगा इस चीज में और दो बिलियन डॉलर यार वो जब से वो वो लगाते हैं दो बिलियन डॉलर उसमें से बहुत सारा पैसा जो है जिसे आप कह लें कि ना और वापस चला जाता है ये भी पाकिस्तान का ब्लेम रहा है शुरू से लेकिन एक्चुअली पैसा तो आ रहा है तो बड़ी बात है अ, लेकिन वो वो पैसा इसलिए चला जाता है बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं, नहीं है बाहर से अदारे आते हैं वो आके सर्वे करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बाहर के अदारे आके सर्वे करते हैं तो वो क्या चीज देखते हैं वो चीज देखते हैं कि इनके पास डाटा कोई नहीं है अच्छा जब डाटा की बात आती है तो वो क्या करते हैं वो जिसे कह लें कि Uh, वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई इनके पास डाटा इकट्ठा करते रहते हैं तो उनको इनिशियली काम ही बहुत करना पड़ जाता है ऑलरेडी किया हो वो हमारे डाटा पे यकीन नहीं करते जब हमारे डाटा पे यकीन नहीं करते वो अपना डाटा बेस तैयार करते हैं अपनी चीजें तैयार करते हैं फिर वो उसके ऊपर काम दिस इज मॉडल डेवलपमेंट के मॉडल में तो अब वो, हमें फिर वो फिर ये है कि अपने उन्होंने फिर आके लोग रखे हुए हैं जो जिससे वो पैसा लगवाते हैं सारा करते हैं तो दो बिलियन डॉलर अगर वो भेज भी दें तो मतलब एटलीस्ट जो है वो हमें स्पेस तो इससे मिलेगी हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगी यार देखो उधर फ्लड्स आए हुए थे उधर हाथ होला रखना है बैंकों को कहेंगे आई को कहेंगे सबको कहेंगे यार देखो ये चीजें हैं तो पहले हमने उसमें रिलीफ ले लिया कोविड में रिलीफ ले लिया फिर अभी हमने इसमें ले लिया दैट्स गुड देखिए एज लॉन्ग एज द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर गेटिंग अ रिलीफ दैट्स वंडरफुल थिंग बट एज लॉन्ग एज द पॉलिटिकल लीडरशिप हैव अ प्लान दैट इज समथिंग व्हिच इज लाइक कैटास्ट्रोफिक चीज वो तो ग्लोबल वो तो लेवल की कहानी सुना रहा है और दुनिया के तकरीबन आठ मुल्कों ने मैं देख रहा था आठ मुल्कों ने क्योंकि दिस इज माय जॉब टू तो लुक एट थिंग्स आठ से ज्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है

सो so, मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली uh, 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 ये जो चीजें हो रही हैं दिस इज नॉट समथिंग एक एक एक, एक चीज जो है वो uh, एक एक है uh, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन बन गई तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया में कि बात कर रहे थे कमर चीमा की भारत पाकिस्तान की अगर अर्थव्यवस्था नीचे जाती है तो भारत वो चाहता है कि और नीचे जाए ऑब्वियसली चाहेगा क्यों नहीं चाहेगा भारत पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप आपको पता है भारत की तबाही भारत में आग लगाना भारत में जो मुस्लिम उनको भड़काना और ये वो फलाना ठिकाना इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान कई लंबे समय से करता आ रहा है तो भारत के ख्याल भी पाकिस्तान को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगे यही रहेंगे और यही रहना चाहिए अगर इससे गए हैं तो डेफिनेटली बहुत गलत वे में जा रहा है इंडिया रही बात यू में तो यू में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनकी स्पीच दोनों की स्पीच में फ़र्क साफ दिखता है फ़र्क भारत एक तरफ ग्लोबली दुनिया को एक तरीके से नए रास्ते और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जो कि साफ दर्शाता है कि भारत एक ग्लोबल स्तर पर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है पाकिस्तान वही मोहल्ले पड़ोस वाली लड़ाई वही डिस्कस करता है हिंदू ये वो फलाना ढकाना जैसे कि कमर चीमा ने एक्सप्लेन किया तो आप समझ सकते हो अब रही बात भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान अभी खुद नहीं चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान में अगर जो भी पार्टी अभी इलेक्शन पाकिस्तान में होने वाले हैं अपकमिंग छः महीने में इलेक्शन हो हो सकते हैं अगर जैसा कि पांच साल में इलेक्शन होते हैं तो वैसा कुछ सीन क्रिएट होता है तो तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की कोई भी पार्टी अभी यह सोचती है कि भारत के साथ रिश्ते करेगी अच्छे तो वहां की आवाम में आपको पता है एक तो आवाम में उनके इस्लाम बहुत कूट कूट कर भरा है और इस्लाम के साथ साथ भारत के पाकिस्तान पाकिस्तान के जो लोगों के अंदर भारत हो इसराइल हो अमेरिका हो इनके लिए पता नहीं है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेट है तो वो हेठ एक्टिव हो जाएगी तो उसकी वजह से जो भी पार्टी भारत के साथ रिलेशनशिप करने की बात कहेगी ऑटोमेटिकली उसके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा तो भारत के साथ वो भी रिश्ते अभी भी अच्छे करने नहीं जाएंगे इलेक्शन के बाद हो सकता है कुछ सीन क्रिएट हो आपको क्या लगता है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर द चैनल को सब्सक्राइब करें